एक बार फिर से आप सभी के बीच में हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और कुछ स्टूडेंट जो हैं इस टॉपिक को क्लास में पढ़ भी चुके हैं और कुछ स्टूडेंट जो हैं इस टॉपिक को नहीं भी पढ़े। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि आप फिर से इस टॉपिक को देख लें, और जिन्होंने पढ़ लिया है वो रिविजन कर सकते हैं। तो टॉपिक वायु है, एयर, स्वास्थ्य वृत्त का ही टॉपिक है, वायु एयर। तो जैसे कि सभी को पता है एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मतलब कि बहुत सारी गैसों से मिलकर के हवा बनी हुई है। और हवा में अलग अलग गैसों के अलग अलग परसेंटेज हैं। जैसे कि आपको पहले से ही पता होगा, आपने इंटर की क्लास में पढ़ा भी होगा कि में जो मेन कंपोजिशन होता है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है। 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि स्वास्थ्य वृत्त, तो जो भी टॉपिक चलेगा वो आपका आयुर्वेद के हिसाब से चलेगा। तो आयुर्वेद में जो वायु है उसको डिफाइन किया गया है बीमारियों के हिसाब से। जैसे वायु जो है हमारे शरीर में अलग अलग चीजों को बढ़ाती है, घटाती है। तो आयुर्वेद में चारों जो वायु जो चलती है चारों दिशाओं से, उनके कुछ गुण और कुछ दोष बताए गए हैं, उसके आधार पर ही वायु को डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया। तो जैसे इसमें चार तरह की वायु हम पहले से ही मेंशन कर दिए हैं, आप भी इसको नोट कर सकते हैं। बारी बारी से हम सब चीजों को, सभी जो वायु है उसको डिफाइन करेंगे और बताएंगे। जैसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है पूर्वी वायु, पहली जो वायु जो बह रही है अगर पूरब दिशा से है तो उसको हम पूर्वी वायु ही बोलेंगे। तो पूर्वी वायु मेंशन किया, और इसका गुण जो है मधुर और लवण है। कैसा है? मधुर और लवण। मधुर और लवण से तात्पर्य, मधुर जो है उसके गुण से तात्पर्य है। जैसे इसमें बताया है कि जो पूर्वी वायु होता है वो वात प्रकृति का होता है। हमारे शरीर में पूर्वी वायु वात को बढ़ा देता है, और जिनका कफ सूख गया है उनके लिए प्रशस्त का काम करता है। प्रशस्त का मतलब उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। पूर्वी वायु में अगर किसी का कफ सूख गया और उसमें अगर वो बैठता है तो उसको और ज्यादा नुकसान होगा। तो आयुर्वेद में पूर्वी वायु को कुछ इस तरह से परिभाषित किया गया। दूसरी जो वायु है वो है पश्चिमी वायु। पश्चिमी वायु को रुक्ष और बलनाशक बताया गया, मतलब कि अगर पश्चिमी वायु जो है अगर उसमें कोई पेशेंट अगर बैठता है तो वो धीरे धीरे और ज्यादा वीक हो जाएगा, उसके स्थिति में सुधार नहीं आएगा। तो इसका जो गुण है रुच है, और ये क्या है? बलनाशक है, बलवर्धक नहीं है, क्या? बलनाशक है। और शरीर शोषक भी है, मतलब अगर शरीर मजबूत है और ज्यादा हष्ट पुष्ट है तो पश्चिम वायु जो है पश्चिमी वायु वो शरीर को शोषित कर देगा, शरीर को कमजोर बना देगा। तो इसलिए इसका जो उपयोग है उसे नहीं करना चाहिए, मतलब कि पश्चिमी वायु में ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। नेक्स्ट जो वायु है वो है उत्तरी वायु, मतलब कि उत्तर दिशा से जो वायु बह रही है उसको उत्तरी वायु बोला जाएगा। गुड़ इसका मृदु और मधुर है, मृदु और मधुर है, और ये बलवर्धक है। मतलब जैसे पश्चिमी वायु में बताया गया कि यह बलनाशक है, लेकिन जो उत्तरी वायु है क्या? बलवर्धक है, मतलब कि इसमें बल की बढ़ोतरी होती है। अगर कोई रोगी ही है, अगर उसे उत्तरी वायु अगर चल रही है वहां पे अगर बैठाया गया है तो उसके बल में वृद्धि होगी, न कि कमी आएगी। और ये जो उत्तरी वायु है विष पीड़ित व्यक्तियों को विशेष लाभ पहुंचाती है। अगर कोई विष से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उत्तरी वायु में, उत्तरी हवा में अगर उसे बैठाया जाता है तो उसे विशेष लाभ होगा। फिर जो अगली जो हवा है वो है दक्षिणी वायु। दक्षिणी वायु ये भी मधुर है और लघु होती है, गुण में मधुर और लघु है, बलवर्धक है। ये भी बल की बढ़ोतरी करती है, रक्त पित्त शामक है, रक्त और पित्त का शमन करती है। पित्त को बढ़ाती नहीं है, पित्त को क्या करती है? घटा देती है। और वात जो है उसको बढ़ाती नहीं, प्रकुपित कर देती है, मतलब कि शांत कर देगी, बढ़ाएगी नहीं। मतलब कि दक्षिणी जो वायु है वो वात को बढ़ाएगी नहीं, क्या कर देगी? कम कर देगी, प्रकुपित कर देगी। तो आप एक बार फिर से इसको टॉपिक वाइज अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिसमें वायु को हम डिफाइन कर दिए हैं। अगर आप परिभाषित करना चाहते हैं तो साइंटिफिकली आप सिंपली अपने लैंग्वेज में भी परिभाषित कर सकते हैं कि
हवा जो है कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें अलग अलग गैसों का अलग अलग परसेंटेज पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और भी अदर गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, ये सारी चीजें गैसों में पाए जाते हैं। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस को ही हम एयर कहते हैं, लेकिन आयुर्वेद में एयर को इस तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। दिशाओं के ओर से हवाएं चल रही हैं, तो दिशा के हिसाब से ही हवा को भी परिभाषित कर दिया गया है। तो यहाँ पे पूर्वी वायु, पश्चिमी वायु, उत्तरी वायु और दक्षिणी वायु लिखा हुआ है, मेंशन मैंने किया है, तो आप इसको टॉपिक वाइज लिख लीजिएगा। जिसमें हमने पूर्वी वायु को बताया कि इसका गुण जो है मधुर और लवण है, और ये वात प्रकृति का होता है, वात को बढ़ाता है, और थके हुए व्यक्ति और जिनका कफ सूख गया है उनके लिए विशेष हानिकारक है, विशेष रूप से उनके लिए हानिकारक है। और जो पश्चिमी वायु है, इसका जो गुण है रुच है, ये बल नाशक होता है, बलवर्धक नहीं है, बल नाशक है, और शरीर शोषक है, शरीर अगर हष्ट पुष्ट है तो वो उसको कमजोर बना देगा। उत्तरी वायु में बता चुके हैं मृदु है, मधुर है, इसका गुण मृदु मधुर है, बलवर्धक है, विष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए क्या है विशेष लाभकारी है। और दक्षिणी वायु में भी बताया गया कि यह भी क्या मधुर है, लघु है, बलवर्धक है, रक्त पित्त शामक है, और वात प्रकोपित नहीं करता है। और जैसे कि ये जितनी भी हवा है, ये आपको बताया गया कि दिशाओं के हिसाब से हमारे शरीर में अलग अलग तरह के ये असर दिखाते हैं। उसी तरह से कुछ चीजें और भी हैं, जैसे इसमें अगर देखें तो वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण पहले भी आप पढ़े होंगे, वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण अगर अपने मन से अगर आप परिभाषित करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण, अगर हवा में बाहरी अशुद्धियां मिल जाती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो है वो हमारे द्वारा जो पॉलिथीन वगैरह जो जलाए जाते हैं, उसके जो गैसेस हवा में मिलते हैं, या हम जो परफ्यूम वगैरह यूज कर रहे हैं जिसमें से सीएफसी निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है, एयर कंडीशन जो आप यूज करते हो, एसी यूज करते हो, तो उसमें से जो गैसेस निकलती हैं तो वो एक तरह से वायु प्रदूषण का भी काम कर रही हैं, और उसके बाद से ओजोन डिप्लीट करने का भी काम करें, ओजोन लेयर को भी नष्ट करने का काम करें। बाकी ये सारी चीजें हम क्लास में बता चुके हैं, तो यहाँ पे बस वायु प्रदूषण को अगर आप लिखना चाहते तो आप सिंपली अपने भाषा में लिख सकते हो कि वायु में मिलने वाली अशुद्धियां जो साफ सुथरी हवा को अशुद्ध कर देती है, उसी को हम क्या कहते हैं वायु प्रदूषक कहते हैं। और वायु प्रदूषण का मतलब क्या हो गया, हवा में अगर बाहें अशुद्धियां मिल जाती हैं तो वो क्या वायु प्रदूषण कहलाता है। तो वायु प्रदूषण के कारक बहुत सारे हैं, कारक में जैसे प्राकृतिक कारण भी हो सकता है और कृत्रिम कारण भी हो सकता है। तो प्राकृतिक कारण में ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा, प्राकृतिक जो जंगलों में जो आग लगती है वो भी वायु प्रदूषण का कारण है, और अगर कृत्रिम में देखें तो मानव खुद एक बहुत बड़ा कारण है, प्राकृतिक मानव जो है एक बहुत बड़ा कारक है वायु प्रदूषण का, क्योंकि वो प्रकृति को दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है प्रदूषित कर रहा है। उसके बहुत सारे अगर देखें तो बहुत सारे कार्य आपको दिखेंगे जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है, जैसे चिमनियां चल रही हैं तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है, कल कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उसकी चिमनियों में से जो धुआं निकल रहा है वो भी वायु प्रदूषण का कारण है, कचरा खुले में जल रहा है तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है। और वायु प्रदूषण में जो लोग रह रहे हैं या वायु प्रदूषित क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर वायु प्रदूषण से होने वाली अगर बीमारी अगर देखें तो कैंसर है, जो लंग्स लंग्स कैंसर है, ब्लड कैंसर हो जाएगा, अस्थमा है, बहुत सारी बीमारियां। तो वायु प्रदूषण पे एक अलग से आपको नोट्स तैयार करना है, वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वायु प्रदूषण कैसे होता है, और कितने जो मुख्य कारक हैं आपको बताया गया है, जैसे वायु प्रदूषण में कि कौन कौन से वायु प्रदूषण के मुख्य कारक होते हैं। तो जैसे हम बता दिए मानव ही एक मुख्य कारक है, और उसके बाद से प्रकृति भी है जो प्रदूषण अपने मन से, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट बताया आपको, प्राकृतिक रूप से अगर देखें तो जंगलों में अपने मन से जो अपने आप जो आग लग जाती है तो भी एक वायु प्रदूषण का कारक होता है। तो वायु प्रदूषण आपको लिखना है। फिर दूसरी जो चीज है वायु शोधन,
वायु शोधन का मतलब कि हम हवा को शुद्ध कैसे करेंगे। जैसे आपको पता चल गया कि वायु में बहुत सारी अशुद्धियां मिल जा रही हैं, तो वो हमारे वायु को अशुद्ध कर दे रही है, जिससे हम वहां पे सांस नहीं ले पा रहे हैं और उसके बाद से हमें अलग अलग तरह की समस्याएं हो रही हैं। जैसे अभी इस समय सबसे ज्यादा मेन जो कमी है वो ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन की मेन कमी आपको पता है, मेन रूप से ऑक्सीजन क्यों कम हो गया, क्योंकि हमने जंगलों की कटाई छटाई कर दी है, जंगल काट दिए हैं, तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो यहाँ पे बात ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति की नहीं हो रही है। ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति तभी हो सकती है जितनी तेजी से हमने जंगल काटे, उतनी तेजी से अगर वन विकसित होते हैं तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम उसके जगह पे अगर पेड़ लगाते जाते तो कुछ समय बाद ये चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। लेकिन हमें इस चीज से क्या लेना देना है नहीं, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं कि पेड़ काट दिए उसके बाद से हमारा काम चल गया, फिर उसके बाद से हमें क्या करना है। तो यही है जो इस समय आपको देखने को मिला है, वो भविष्य में ये होगा कि सबको ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा। तो वो टॉपिक से बाहर की चीज है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे डिस्कशन इस चीज पे होगा कि वायु शोधन क्या है, वायु शोधन किसे कह रहे हैं।